लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोग यहाँ पे हैं, एक छत के नीचे हैं, और वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सब लोग इस मीटिंग हॉल में हैं। और सर, शुरुआत का तो ये है कि डीएक्सन, वैसे तो मेरी जो है दुकान, आप सब लोग जानते हैं, सोने चांदी का मेरा काम है, मेरी दुकान है दलपतपुर में। लेकिन सोने चांदी की दुकान में रह के ये फ्रीडम जो हम लोग कैंप करते हैं, होटल्स बजाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बजाते हैं, ये इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था। तो मैं तो धन्यवाद कहना चाहूँगा ललित जी का, अवनीत जी का, भरत जी का और सभी लोगों का कि एक फैमिली मिली है। क्योंकि तो जो मेरी दुकान है वो एक सीमित है कि दुकान और दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर या बीबी या बच्चे। लेकिन जब बीबी भी जब खुश रहती है जब उसको एक महीने में कहीं घूमने लेके जाया जाए, चाहे तो अपने पैसों से या उनको पर्सनल भेज दे जाए कि जाओ मैं के चले जाओ, वहाँ चले जाओ, लेकिन वो भी एक सीमित रहता। लेकिन डीएक्सएन में आने के बाद में मैंने ये देखा कि जो बीमारी थी, क्योंकि हर कोई बीमारी से घिरा हुआ है, हम लोग भी ऐसे थे, घिरा हुए के बहुत ज़्यादा थे, जो आजकल नॉर्मल प्रॉब्लम है, गैस बनना, कमर में दर्द होना। क्योंकि मेरा जो लाइफ स्टाइल रहा है 24 घंटे में 20 घंटे जागना, मेहनत बहुत करी, बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत के एक साल कोई मतलब जाग लेगा, दो साल जाग लेगा इतने घंटे, लेकिन मैं 5 साल तक जागता रहा। कुछ ऐसी कंडीशन थी कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अच्छा पैसा कमाए, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं। क्यों? कि बीमारी घर पर वो पैसा मतलब बिल्कुल बेकार। शादी के बाद भी दिक्कत कि जितना पैसा कमाते थे उससे ज़्यादा खर्च कर देते थे बीमारियों पे, दवाइयों पे, अस्पताल। कि लखनऊ जैसे रवि जी आए हैं तो लखनऊ की मेरे कम से कम 2013 से 2015 के बीच करीबन 25 चक्कर PGI जो हॉस्पिटल है, PGI वहाँ की मेरे चक्कर हो गए, मेरी चप्पलें घिस गई। लेकिन जब डीएक्सएन प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में यूज करा तो अपनी प्रॉब्लम भी थी, बाइक के दिल में छेद है वो प्रॉब्लम भी थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं हकलाता बहुत था। बस एक मेन चीज ये थी कि प्रोडक्ट सेल्स पर काम करता है, बस दिमाग में ये थी कि सेल डेवलप तो सब कुछ डेवलप, ये मुझे नहीं पता था ये जवान पे काम कर जाएगा। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरा नाम सुमित कुमार वर्मा है, मैं सू पे अटक जाता था, सू अरे भैया जागृति जा, इधर है इधर है, इधर ही उधर सी, बताओ कौन सी। बोले आपके अगर मैडम को जाना है तो सी इधर है और आपको जाना तो ही इधर है। तो वो प्रॉब्लम मेरी जब दूर हुई, मेरा जो गिलो फिलो निकला, ललित जी ने बताया, अवनीत जी ने बताया, और पवन जी बीच बीच में बात करते थे, बोले सुमित जी प्रोडक्ट की पावर है जो आप इतना बोल लेते हो। आप मन की साहब, मैं तो बोलना जानते ही नहीं था और मैं तो बिजनेस करने आया ही नहीं था इसका, मैं तो अपने सोने चांदी में खुश था। लेकिन सोना चांदी भी बेचते बेचते एक हमें कोहिनूर मिल गया कैनोडा। वो प्रोडक्ट जब से मेरी जिंदगी में आया तो जब से मेरी लाइफ बदल गई। और लाइफ क्या बदली, ऐसा होता है ना, जो हमारी दुकानदारी लाइन है तो बड़े बिजी रहते हैं दुकानदार लोग, आपने देखा होगा ज्वेलर्स बड़े बिजी रहते हैं, किसी को सुनते नहीं है, बस अपने काम से कहा भैया बहुत काम है, ये वो GST VST सब ये सब अकाउंट पूरे कराने पड़ते हैं, तो वो सब है, सिस्टम है, सब सब सेटलमेंट करा, घूमे फिरे, इंजॉय करा। और जब से शून्य जो आया है जिंदगी में, तो शून्य के आने से है मन की शांति हो गई। सुनने की पावर में बहुत बड़ी शक्ति दी है, अगर सुनने नहीं होता तो हम नहीं होते, और डीएक्सएन नहीं होता तो हम नहीं होते। साथ मेरी ट्रेजेडी आप लोगों ने सुनी होगी, जो मेरे साथ घटना थी हुई थी, जो मेरी दुकान पे बदमाश आ गए थे, मेरे गोली भी मार दी थी यहाँ पे। लेकिन अगर डीएक्सएन की पावर नहीं होती, अगर सुनने की पावर नहीं होती, तो आज मैं आपके साथ में बोल नहीं रहा होता। जो हमने उस बदमाश को दबोचा, उसे पकड़ा, वो आज भी जेल में बंद है और हम अपनी लाइफ एंजॉय जी रहे। तो भैया सभी लोगों का धन्यवाद और थैंक्स टू गेट्स।